आप देख रहे हैं बीटी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अखिलेश। मुखिया जी, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में पंचायत की सत्ता में आने के लिए आपको मेरे और मेरे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपको आपको भी बधाई हो। आप जो मेरे पास आए हैं इस नाचीज के पास? नहीं नहीं ऐसे तो आप अभी मैंने सत्ता में जो आप आए हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पास कोई घमंड नाम की चीज हो, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनको कुछ अहम हो जाता है कि मैं इतने महान सब प्रत्याशियों को हराकर सत्ता में आया हूं, तो अपने आप में आपका एक वजूद है। ठीक है, दरअसल ये बात नहीं है। दरअसल कि सन 2016 में जब पंचायत में आरक्षण लगा जी, तो हमको चुनाव लड़ने का मौका मिला और हम चुनाव लड़े, और सन 2016 में जनता हमको अच्छे वोट दिए थे, 1580 वोट, और कुछ ही वोट से हम फिसल गए थे अगली बार जी। अच्छा, इस बार मुखिया जी एक ऐसा बताइए आप कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायती राज ने पिछले पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय के तुलना में इस बार त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में पंचायत को अत्यधिक विकास के लिए फंड दिया गया है, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? आप जनता के लिए क्या करेंगे? पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली पर है कि हमको जनता, जिस हिसाब से हमको जनता चुन करके भेजा है, विश्वास के साथ भेजा है हमको जी, और जनता की उम्मीदों पर हमको खरा उतरना है। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इन सारी चीजों पर सबसे पहली प्राथमिकता, पहला नया ध्यान आपके वो किस ओर जाएगा? जैसे कि मेरी पंचायत में शिक्षा में कमी है, उसको सुधार लाना है, और नाली का इतनी ही खराब बंदोबस्त है कि लोगों को दिक्कत होता है पानी का, जिसमें हम सुधार लाएंगे और लोगों के अंदर ऐसा विकास करेंगे कि लोग दोबारा हमको फिर पसंद करें जी। इसके लिए आप अपने पंचायत के जनताओं को तथा प्रखंड के सभी लोगों को, सभी नए जुड़े हुए जनप्रतिनिधि को आप अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देना चाहेंगे? सभी 28 पंचायतों के मुखियाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि सभी कोई जीत के आए हैं इस पंचायत राज, पंचायती राज में जी, और सबको ही अच्छा जनता का विकास करेंगे जी। और सबसे पहली बात यह है कि आपके पंचायत में पिछले पंचवर्षीय में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन हुआ है, उसमें आवास सहायक के द्वारा काफी अनियमितता बरती गई है, उस पर आपका क्या विचार होगा? जी, अगर इससे पहले जो भी मुखिया रहे हैं मेरे यहाँ क्या गलती किए हैं, उसके बाद हम बैठेंगे आवास सहायक के साथ और जनता को कम से जल्दी से जल्दी लाभ दिलाने का कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं आपके पंचायत में मुखिया जी, जिनको सूची में तो नाम है लेकिन उनका कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है जी, और पिछले मुखिया जी के द्वारा इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करवाई गई जी। मेरा उद्देश्य, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा उद्देश्य है जिसका हक है उसको हक मिलेगा, और सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर के हमको पंचायत में विकास करना है और हक वाले को हक मिले जी। ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी। धन्यवाद।